इस वीडियो में मैं आपके साथ वो हर एक गलती शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपने 20s में करी थी, विद द होप कि शायद आप ये सुनकर, ये सीखकर, ये देखकर अपनी जिंदगी में ये गलती ना करें। दोस्तों, 20s एक बहुत ही खूबसूरत डेकेड होता है। इतना कुछ हम अपने बारे में जान रहे होते हैं, एंड फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि वो खुद कौन है। हम जब पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो हमें लगता है हम एक सर्टन टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैं, फिर जब काम शुरू होता है तो पता चलता है हम एक अलग ही इंसान हैं। हमारे नए रिश्ते बनने लगते हैं, शायद हमारे लाइफ पार्टनर हमें ज़िंदगी में मिलते हैं, कुछ लोगों के 20s में बच्चे हो जाते हैं। एंड देयर इज सो मच दैट हैपेंस इन दिस डेकेड दैट इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड कि हमारे साथ हो भी क्या रहा है। और मुझे याद है, आज मैं 40 साल का हूँ, 41 टू बी प्रिसाइज, कि मेरे 20s में मैंने बहुत अच्छे से अपने ज़िंदगी में एक्सप्लोर किया, अपने आप को जानने की कोशिश करी, अपने आप को समझा, लेकिन उस पूरी जर्नी में बे इंतहा गलतियाँ करी। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी गलतियाँ फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस होप में कि आप उन गलतियों से कुछ सीख पाएं, ये जान पाएं कि उन गलतियों को करने के बावजूद मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, तो वो गलतियों से मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन गलतियों को करके और ये समझ कर कि मैंने वो गलती करी है, मैंने उनको फिक्स करने की कोशिश करी, और शायद उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ जहाँ हूँ। हर एक इंसान गलती करेगा, आप भी करेंगे, हर एक इंसान गलती करेगा, लेकिन उस गलती को हम कितना समझ पाते हैं, उससे कितना सीख पाते हैं, और उसकी वजह से हम एक नए इंसान कैसे बन पाते हैं, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे याद है बचपन में, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑल आई वॉन्टेड टू डू वाज स्टडी। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था और मुझे फिजिक्स से, साइंस से इन जनरल बहुत प्यार था, या मुझे लगता था कि मुझे प्यार था। सच सिर्फ यही था कि मैं उस चीज़ को करने में अच्छा था। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिसको करने में हम अच्छे होते हैं, लेकिन हम कभी भी रुककर अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या इस चीज़ को करने में मुझे खुशी मिलती है या नहीं। एंड ये मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता रहा, जिस पाथ पे मैं था उस पाथ पे चलता रहा, ओनली बिकॉज आई वॉज गुड एट इट, लेकिन कभी भी मैंने रुक कर अपने आप से ये नहीं पूछा कि क्या इस चीज़ को करने में मुझे खुशी मिलती है या नहीं। एंड ये बहुत बड़ा लेसन है, जिस चीज़ को आप अच्छे से करते हैं, उस जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, ये शायद दो अलग चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, मुझे याद है कि वो हर एक शख्स जो, मैं एक बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था, तो ऐसे बहुत सारे शख्स थे जो कि स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, हर वीकेंड पे पार्टी करते थे, और मैं उनको बहुत ही गंदी नज़रों से देखता था। मैं समझता था कि ये लोग कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे जेन्युइनली लगता था कि ये हारे हुए शख्स हैं, एंड ये वो लोग हैं जिसकी वजह से दुनिया ना नीचे हो जाती है, कम होती है, आगे नहीं बढ़ पाती। पर ये गलत था, उनमें से बहुत सारे लोग दिल के अच्छे हैं, आज अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो सबसे पढ़ाकू लोग, जो कि ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, वो भी नहीं कर पाए हैं। एंड आज मुझे ये पता चलता है कि जो आप करते हैं उसकी वजह से नहीं, लेकिन जो आप अंदर हैं उसकी वजह से ही आप वो इंसान हैं जो आप सच में हैं। मैं किताबें पढ़ता था कूल होने के लिए, मैं किताबें पढ़ता था लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। मुझे याद है कॉलेज में फाउंटेन हेड करके एक बहुत ही फेमस किताब थी, अभी भी है, और वो मैं पढ़ रहा था क्योंकि मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि मैं फाउंटेन हेड पढ़ रहा हूँ, अरे वाह, हम कुरबानी को फाउंटेन हेड पढ़ रहा है। लेकिन मैं कभी भी उन किताबों की असली अंडरस्टैंडिंग नहीं अपना पाया, वो किताबें एक्चुअली बोलना क्या चाहती थी, सिखाना क्या चाहती थी। एंड आज मुझे ये रियलाइज होता है कि आप किताबों की वजह से स्मार्ट नहीं बनते हैं,
क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं, इसकी वजह से आप स्मार्ट नहीं हैं। आप उन किताबों से सीखते क्या है, उसकी वजह से आप स्मार्ट हैं। एंड दिस वॉज वन बिग मिस्टेक दैट आई मेड इन माई 20s, वो हर एक चीज करना जिससे मुझे लगता था कि लोग मुझे कूल बतलाएंगे, पर मैं उससे कुछ सीख नहीं पा रहा था। मैं एक ऐसे टाइप का इंसान था कि अगर कोई भी दुविधा में है तो मुझे लगता था कि मेरा फर्ज है और मेरी जिम्मेवारी है कि उस इंसान को मैं उस दुविधा से बाहर निकालूं। एंड अगर वो उस दुविधा में ही फंसे रहते थे, ना खुश थे, तो मुझे लगता था कि वो मेरी हार है। एंड आई थिंक वन बिग लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक इज दैट हर एक शख्स अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेवार है। मैं किसी की खुशी के लिए जिम्मेवार नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिम्मेवार हूं। तो जब जब मैंने दूसरी की खुशियों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली, मैं शायद उस इंसान को तो खुश कर नहीं पाया, अपने आप को भी दुखी कर छोड़ा। एंड दैट वाज सच अ बिग मिस्टेक इन माय 20s। मुझे लगता था कि हमारे पूरी जिंदगी में जो पैसे की कमी थी, जो कि थी, हमेशा पैसे की कमी थी, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आर फैमिली प्रॉब्लम्स। हमारे परिवार में जितना भी तनाव था, जितनी भी गम की बातें होती थी, खुशी की कमी महसूस होती थी, वो सब फसाद की जड़ सिर्फ पैसा था। एंड जिस दिन हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, ये सारी प्रॉब्लम्स चली जाएगी। आज मुझे पता चलता है कि जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारी कहानियां हैं। वो कहानियां जो हम अपने आप को बोलते रहते हैं कि जब ये हो जाएगा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, जब मैं यहां पहुंचूंगा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं होती, हम अपने दिमाग में उसको प्रॉब्लम बना देते हैं, क्योंकि हम उसके साथ एक ऐसा काल्पनिक सोल्यूशन जोड़ देते हैं जो हमें लगता है हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। मुझे लगता था कि पैसा हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। मुझे ये लगता था कि जो अमीर बच्चे हैं वो कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हर एक चीज़ तो एक प्लेट पे मिली है, हर एक चीज़ उनको एक सोने के चम्मच से खिलाया गया है, उनको पता ही नहीं है कि स्ट्रगल करना क्या होता है। उनका जो प्रिविलेज है ना, वो हमेशा उनको नीचा करार देगा। लेकिन मुझे आज ये रियलाइज होता है कि अगर हम एक ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं, एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां हमें जिंदगी की सारी सहूलतें मिली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिविलेज नहीं है जो हमें हार्म पहुंचाता है। जो इग्नोरेंस होती है प्रिविलेज के अराउंड, ये समझ में नहीं पाना कि आपके पास कितनी प्रिविलेज है, कितनी सहूलतें हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको बिना किसी काम किए हुए मिली हैं, उस बात को अगर आप नहीं समझते तो वो चीज आपको खा देती है। नॉट द फैक्ट कि आप उस परिवार, उस खानदान में पैदा हुए। That was again a big mistake that I made. पूरे 20s में मैंने गंद खाया, जंक फूड, कभी सोता था, कभी उठता था, बिल्कुल बैड पॉस्चर, ऐसे झुका हुआ, कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये बोलता रहता था कि कल सब कुछ ठीक कर दूंगा, कल जिम जाऊंगा, कल एक्सरसाइज करनी शुरू करूंगा, कल ये सब खाना छोड़ दूंगा। हर रोज मेरे पास एक एक्सक्यूज होता था कि मैं आज क्यों नहीं जा सकता। एंड आज पता चलता है कि एक्सक्यूज जो है वो एक दायरा है बिटवीन हु यू आर एंड हु यू शुड बी। हर एक बार जब आप एक एक्सक्यूज देते हैं अपने आप को, तो एक दूरी बना लेता है बिटवीन हु यू आर एंड हु यू शुड बी। बहुत कोशिश करता था कि लोग मुझे चाहें, लोग मुझे लाइक करें, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलें। और अब ये रियलाइज होता है कि अगर मेरी खुशी दूसरे लोगों पे निर्भर करती है, अगर मेरी खुशी इस चीज पे निर्भर करती है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मेरी खुशी एक ऐसी चीज पे निर्भर करती है जिसको मैं कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड दैट मीन्स मैं कभी जिंदगी में खुश नहीं होऊंगा। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, अगर कुछ फिक्स करना होता है तो उसको फिक्स करता हूँ, लेकिन मैं ये फिर से गलती नहीं दोहराऊंगा कि मुझे लगे मेरी खुशी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उस पर निर्भर करती है। मैंने बहुत सारे लोन लिए, पर्सनल लोन लिए, पैसा नहीं था तब भी लोन लिए, इसीलिए लोन लिए क्योंकि पैसा नहीं था, और हर बार अपने आप को यही बोलता था, अरे मेरे पास कल पैसा आएगा ना तो मैं कल दे दूंगा, ये सैलरी तो है ही ना तो लोन लेते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ईएमआई तो अच्छी चीज है। लेकिन सच यह है कि अगर आपके पास किसी चीज को खरीदने के पैसे नहीं है तो आपके पास उस चीज को खरीदने के पैसे नहीं है। That's it. और कोई इसका कंक्लूजन नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर आप एक लोन लेकर कोई भी चीज खरीद रहे हो, चाहे वो अपनी शादी को फाइनेंस कर रहे हो, एक गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, तो आप कर्ज ले रहे हैं इस होप में कि आपके पास कुछ कल आएगा, लेकिन आज आपके पास वो पैसा नहीं है। मुझे लगता था कि साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एथिक्स, ये सब बेकार से कोर्सेज हैं, बेकार से सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, यही सब चीजें होती हैं, बिजनेस इज अबाउट नंबर्स, जज्बात नहीं है, कहीं भी लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलते हैं, लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, ऑल ऑफ दैट इज अननेसेसरी। बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल, इट इज ऑल अबाउट पीपल, हाउ वेल यू नो देम, हाउ वेल यू ट्रीट देम। और इतनी मुश्किल से ये लेसन सीखने को मिला है पिछले 10 साल में जब मैंने अपने स्टार्टअप्स चलाए, एंड ये लेसन बहुत जरूरी है क्योंकि आज आपको ऐसा लगेगा कि अपने 20s में आपकी सैलरी, आपकी प्रमोशन, आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है आपके स्किल्स से, आप कितना अच्छा काम करते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आप वो काम करते हुए लोगों को जानने की कोशिश नहीं करते, लोगों को मैनेज करने की जो स्किल है वो समझने की कोशिश नहीं करते, यू विल इवेंचुअली स्टॉप ग्रोइंग। मुझे लगता था कि अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, बहुत इंप्रेसिवली बोलूंगा, तो अगर मुझे कुछ नहीं भी आता है ना तब भी लोग खुश हो जाएंगे, वाह वाह कितना खूब बोला है। लेकिन आप ना स्टेज पे लाई नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑडियंस जो है उनको दिख जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश करके एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी बनाएंगे, एक कल्पना बनाएंगे और वो लोगों को भेंट करेंगे, अगर आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में जानते नहीं हैं तो आप खोखले हैं, और वो लोगों को बहुत क्लियरली दिख जाएगा। अगर लोग मेरे सामने आते थे अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मेरा फर्ज बनता था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, राइट? तो जैसे ही मैंने प्रॉब्लम सुनी और मैंने ये सुना कि आप दुखी हैं या आप चिंतित हैं या आपसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो मैं एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता था। आज ये एहसास होता है कि किसी को सुनना विदाउट द नीड टू रिस्पॉन्ड, विदाउट द नीड टू जज, विदाउट द नीड टू सॉल्व, विदाउट द नीड टू अराइव एट अ सोल्यूशन, किसी को सिर्फ ऑब्जेक्टिवली सुन पाना इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन। इतने सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ऐसा इंसान पूरी जिंदगी भर ढूंढते रह जाते हैं जो उनको सिर्फ सुन पाए, सिर्फ सुन पाए, कुछ क्षण तक सिर्फ सुन पाए, बिना जजमेंट के, बिना कंक्लूजन के, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए। मुझे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवानी है, मुझे सिर्फ एक ऐसे इंसान से बात करनी है जो मेरी बातें सुन पाए। एंड इन माई 20s मैं सुनने की नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के मोड में रहता था। बिग मिस्टेक। मुझे लगता था कि जिंदगी में प्लान होना चाहिए,
क्योंकि प्लान नहीं है तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे. अ प्लान इज अ प्लान, यू गॉट टू हैव अ प्लान. प्लान ए काम नहीं किया, प्लान बी काम नहीं किया, प्लान सी, बट प्लान हमेशा होना चाहिए. लेकिन आज ऐसा पता चला है कि अपने 20s में ना एक प्लान बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं है, हम खुद को समझते ही नहीं है, हम खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं. और उस पॉइंट पे एक प्लान बनाना, अपने ऊपर एक आइडेंटिटी थोप देना है जो शायद हमारे लिए सच भी ना हो. टू नॉट हैव अ प्लान एंड बी ओके विद दैट इज एक्चुअली द बेस्ट प्लान. एंड अपने 20s अगर ऐसे जिए, देन दैट इज द बेस्ट वे टू लिव योर 20s. मैं लकी था कि पहले हाफ ऑफ माई 20s मेरे पास प्लान था और उस प्लान को पूरा करने की मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत करी, लेकिन वो प्लान काम नहीं किया. वो जब नहीं किया तो मैंने दूसरा प्लान नहीं अपना कर बाकी के जो 5 साल थे अपने 20s के, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन में डाल दिए. ये जानने की कोशिश करी कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में नहीं अच्छा हूँ, क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. आई नेवर हैड अ प्लान, आई डिडंट नो वेयर आई वॉन्टेड टू बी, आई डिडंट नो वेयर आई कुड बी. All I knew was कि मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं. हर तरफ मैंने देखा और मुझे यही दिखा कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस, हर एक चीज जो मैं खरीद रहा हूं, हर एक चीज जिसको मैं यूज कर रहा हूं, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए डिजाइंड है, माई कंफर्ट. हर एक चीज डिजाइंड है फॉर माई कंफर्ट एंड माई कंफर्ट अलोन. तो मैंने ये गलती से अज्यूम किया कि जिंदगी का मकसद, जिंदगी का पर्पस इज टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. कि अगर मेरी लाइफ कंफर्टेबल है ना तो मेरी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो चुका है. लेकिन अगर मैं उन लोगों को देखूं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो मैं बनना चाहता हूं, जिनको देख के मुझे प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं ये देखता हूं कि वो हर रोज अपनी जिंदगी में वो पाथ चूज कर रहे हैं जो कंफर्ट का नहीं है. वो बहुत ही मुश्किल पाथ चूज करते हैं. हर रोज उठ के वो ये नहीं बोलते कि कौन सी कंफर्टेबल चीज है जो मैं कर सकता हूं. वो हर रोज उठ के ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं कर सकता हूं, जिससे मुझे करने में डर लगता है, लेकिन अगर मैंने वो किया और मैं जीत गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी. एंड समहाउ दे आर रेडी टू फेस दैट फियर, दे आर रेडी टू फेस दैट ट्रूथ डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज नॉट कंफर्टेबल टू डू दैट. अगर मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ लिखा, कोई ब्लॉग, कोई वीडियो, कुछ शेयर किया, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. उस समय पे तो लिंक्डइन फेसबुक नहीं था, लेकिन जो थोड़ा भी था कि कोई वाहवाहियाँ नहीं करता था, कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता था. लेकिन आज समझ में आया कि नो वन ओज यू देयर टाइम और देयर मनी. किसी भी इंसान के पास इतना वक्त, इतना पैसा, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होकर आपको कुछ बताए. यू अर्न पीपल्स टाइम एंड मनी एवरी डे. कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं है, आपको वो कमा कर लाना होगा बाय द वर्क दैट यू डू, बाय द वर्क दैट यू डू. मैं जल्दी में था, पैसे कमाऊं, अपने माँ बाप के लिए वो घर खरीदूँ, अपने लिए वो गाड़ी खरीदूँ, वो वेकेशन पे जाऊँ. मुझे पैसे जल्दी कमाने थे, जल्दी कमाने थे. लेकिन पैसा ना आपके लिए चीज़ें कमा सकता है, आप उससे चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से सबसे बड़ी चीज़ पता क्या मिलती है? आज़ादी. आज़ादी वो हर एक चीज़ करने की जो आप करना चाहते हैं. आज़ादी अपने वक्त को वैसे बिताने की जैसे आप बिताना चाहते हैं. एंड ऑल्सो आजादी फ्रॉम चीजें खरीदने की लत. पैसा जल्दी जब आ जाता है ना, तो हमें यह लगता है कि पैसे की सिर्फ एक ही बुनियाद और एक ही पर्पस है, एंड दैट इज टू बाय यू स्टफ. लेकिन जब पैसे की कमी होती है और तब पैसा आता है, देन यू रियलाइज कि यह पैसा आपको इतनी आजादी दे रहा है कि आप उठ चुके हैं वो हर एक चीज खरीदने से जो आप पहले खरीदना चाहते थे, लेकिन अब आपको पता है आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा. बहुत बार अपने 20s में मैंने अपने आप को कोसा, अपने आप को ब्लेम किया कि मैं लेट हूं, इतना बूढ़ा हो चुका हूं. मुझे याद है
29 साल में मैं नौकरी के बिना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास प्लान नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। और उस समय पे ना द सोशल नेटवर्क मूवी रिलीज हुई थी और रुचि और मैं उस मूवी को देखने गए थे। वो मूवी थी कि फेसबुक कैसे बना, मार्क जकरबर्ग ने कैसे 24 साल या 23 साल की उम्र में फेसबुक स्टार्ट किया और 27 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनेयर बने थे। एंड उस मूवी को देखकर मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है। बहुत दुख हुआ, अपने ऊपर एक तरीके की नफरत सी थी। मुझे अभी भी याद है, हम गाड़ी में वापस जा रहे थे, ये वो वक्त था जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, रुचि भी काम नहीं कर रही थी, हम दोनों जॉबलेस थे। बहुत अच्छा समय था लेकिन थोड़ा सा डरावना समय था। एंड मैंने रुचि को बोला कि इतना वक्त बर्बाद हो गया, 3 महीने हुए थे मेरे को नौकरी छोड़े हुए। तो रुचि ने बोला, 3 ही तो महीने हुए, इतना क्या वक्त बर्बाद हुआ है? और मैंने बोला, 3 महीने नहीं, 30 साल हो चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। लेकिन आज मुझे यह एहसास होता है कि हर एक इंसान एक अलग ही रेस भाग रहा है। इनफैक्ट शायद हम एक रेस में है भी नहीं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, हम सब अपनी ही एक रेस में है। और मैं किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहा हूं एक्सेप्ट एक इंसान, और वो है वो इंसान जो मैं कल था। मैं सिर्फ उसी इंसान से रेस कर रहा हूं जो इंसान मैं कल था। और अगर उस इंसान को मैं हर रोज हरा सकता हूं तो मुझे पता है कि मैं उस रेस में आगे भाग रहा हूं। लेकिन हर एक इंसान एक अलग ही रेस में है। मेरे 20s में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, 90% ऑफ दैट आई वुड से लक था। आई एम दैट गाय हु वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड आई गॉट रियली लकी। एंड जितना भी मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, आई ऑल्सो विश दैट आई हैड नोन बेटर। आई विश आई हैड नॉट मेड सम ऑफ दीज मिस्टेक्स दैट आई शेयर्ड विद यू। टुडे आई नो कि जो आपके 20s होते हैं ना, दैट्स अ ब्यूटिफुल डेकेड फॉर यू टू डिस्कवर योर सेल्फ एज अगेंस्ट सेटलिंग। सेटल नहीं होना है, जल्दी से सेटल हो जाओ, पढ़ाई जल्दी से खत्म कर लो, शादी कर लो, वो घर, वो बंगला, गाड़ी, वो हर एक चीज जो दुनिया आपको बोलती है आपको करना है, जल्दी से कर लो। बट आई फील दैट इन योर 20s यू शुड मीट एज मैनी पीपल एज यू कैन, डू एज मैनी जॉब्स एज यू कैन, एक्सप्लोर एज मैनी स्ट्रीम्स एज यू कैन, इंटर्न एज मच एज यू कैन, अर्न मनी, इन्वेस्ट दैट मनी, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, फाइंड आउट व्हाट यू आर नॉट गुड एट। एंड बाय द टाइम यू आर 30, अगर आपको ये पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, देन ऑल ऑफ योर 30s जस्ट डिवोट टूवर्ड्स बिकमिंग द बेस्ट एट दैट। एंड बाय द टाइम यू आर 40, या तो आप इतना पैसा कमा चुके होंगे कि आपको जिंदगी में कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, या आप अपने काम में इतना खुश होंगे कि वो आपके लिए काम ही नहीं होगा। आई एम फ्रेंकली एम्बेरस्ड एट हु आई वॉज इन माई 20s, अंडर कॉन्फिडेंट, पीपल प्लीजिंग, ओवरवेट, बहुत स्टक था मैं अपने थॉट्स में, बहुत स्टक अप था, बैड विद मनी, जजमेंटल। बट आई एम इन सम वे ग्लैड दैट आई वॉज ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आज मुझे पता है कि मैं क्या नहीं होना चाहता, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अपनी जिंदगी में फिर से नहीं दोहराना चाहता। एंड आई विश दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड गेट्स टू रियलाइज दिस सूनर इन देयर लाइफ। आई विश हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो ये समझ सके कि अपने 20s में, अपने 30s में, अपने टीन्स में, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाएं कि आप कौन हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में नहीं करनी, उनको करने से आपको खुद से घिन महसूस होती है, then you will have a way of living life that most people will never get to. I wish you the best for your life. Ankur Variku, signing off.